फाइनली द बस इज हियर। टाइम था 11:30 का और बस आई है 12:40 पे। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सो फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं मनाली। ठंड यहाँ बहुत ज़्यादा पड़ रही है और रूम को भी सेटअप होने में थोड़ा टाइम लग गया। एक्चुअली हम यहाँ पहुंच गए थे 10 बजे के आसपास और अभी हो रहे 11:30, एक घंटा के आसपास लग गया है रूम सेटअप वगैरह होने में। अभी यहाँ से दिखाते हैं रूम से व्यू कैसा है। तो ये व्यू है रूम से, हमने एकदम बिल्कुल दूर भी नहीं लिया सिटी से और बिल्कुल सिटी के अंदर भी नहीं लिया बेसिकली। ये आपकी बीस रिवर, वो भाई बता के गया है जो जिसने हमें ड्रॉप किया था, यहाँ से जाके आप ब्रिज क्रॉस करो और वहाँ से वो सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ के वहाँ पे मॉल रोड, तो वो भी एक्सेसिबल रहेगी। तो अभी आगे जैसे जैसे आगे प्रोसेस करते हैं क्योंकि टाइम काफ़ी निकल गया है। अभी मनु जी नहाने गए, मनु जी नहा के आएंगे, मैं नहाने जाऊँगा, रेडी हो गए, झट से निकलेंगे यहाँ से। हाँ जी, तो फाइनली निकल गए हम दोनों, काफ़ी पैक होकर निकले हैं। वैसे तो धूप निकल रही है बहुत ज़्यादा, बट यू नो सेफ साइड इज बेटर टू यू नो सारा कपड़ा वपड़ा पहन के निकले। अभी जा रहे हैं माल रोड, वहाँ पर देखते हैं, क्योंकि जो सोलांग वैली जाने का प्रोग्राम है वहीं पर ही है। ऑटो वाले ने बताया कि राफ्टिंग करने का मतलब नहीं है, हो भी नहीं रही है क्योंकि पानी बहुत ठंडा ठंड बहुत पड़ रही है। तो माल रोड से देखेंगे, बाइक रेंट करने का प्लान है, अगर कुछ ठीक से मिल जाता है तो बाइक रेंट करके सोलांग वैली जाएंगे। वैसे तो पास में ही आधे घंटे का ही है, गाड़ी से भी जा सकते हैं बट बाइक से जाएंगे। ये 20 रिवर आप देख लो और ये 20 रिवर के ऊपर ब्रिज जो क्रॉस करके अपने माल रोड ईजिली पहुंच जाएंगे। मनु जी तो आगे निकल गए। लो जी, सीढ़ियों से ऊपर चढ़ो और पहुंचो मॉल रोड। बहुत सुना है नाम इसका, देखते हैं क्या निकलता है। ये आ गया जी मॉल रोड मार्केट, होटल से बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस ही है। भाई मनु यार, यहाँ फोटो अच्छी आ रही है। मनु क्या करना है? खाना खाना, नाश्ता करना, कितने बजे देखा क्या कुछ? एटीएम भी है यहाँ पास में, चलो गुड। हमें प्योर वेज रेस्टोरेंट, मोनिका तो मेरे को यहाँ भी गाली दे सकते हैं, यहाँ भी मैं दाल मखनी खा रहा हूँ। हाँ जी, तो खाना वाना खा के अभी हम निकल गए हैं। अभी हम देखते हैं बाइक रेंटल, वहाँ एक अंकल ने बताया कि इस ब्रिज को क्रॉस करो, वहाँ से लेफ्ट लो, सारी बाइक रेंटल वहीं पर ही। मनु जी ने जब से देखी है रिवर तब से बोले जा रहा है मेरा पैर पसार के बैठने का मन कर रहा है इसमें। ठंड में जब पैर सिकुड़ेंगे ना इकट्ठा हो जाएगा इकट्ठा। तो वहाँ से अपने आए, आते ही दुकानें दिख गई, यहाँ ये खड़ी है, ये भैया है ही, तो यहीं से क्लोज कर लेंगे, ज़्यादा आगे धक्के खाने का मतलब नहीं है, और देखते रहेंगे घूमते रहेंगे। ये बाइक भैया निकाल के लाए हैं, ये वाली बाइक लेके चलेंगे। चलो जी, बाइक फाइनली रेडी है, लिखने के सीधे, मनु जी ने भी हेलमेट पहन लिया और अपने भी रेडी है। नाउ लेट्स गो। फर्स्ट स्टॉप तो हमने ले ही लिए पेट्रोल डलवाने के लिए। रुके थे, आंटी जी ने चाय भी लाई। सजेस्ट कर रहे हैं कि पहले अटल टनल चले जाओ और वापसी पे सोलांग वैली रुको, वो ज्यादा बेटर ऑप्शन है, क्योंकि जाते हुए अटल टनल पे ज्यादा ठंड हो जाएगी, तो वो पहले जाएगा। फिर पहले अटल टनल चलते हैं। चलो ओके, चलो थैंक यू सर। एक बार और हमने ब्रेक ले लिया, बेसिकली ठंड लग रही है, ठंड है तो जैकेट वैकेट बंद कर ली और टोपी वोपी पहन लेते हैं, ठंड से बच के रहना बहुत जरूरी है। बहुत लोग जा रहे हैं। हाँ जी, तो अटल टनल बची है 2 किलोमीटर, अंधेरा होने से पहले वापस आ रहे हैं हम। तो अभी हमने लिया दूसरा स्टॉप, किस लिए? इस व्यू के लिए।
नेशनल टनल पे, इसकी वीडियो ही देखे अभी तक तो मैंने, अभी अंदर भी जाके देख लेते हैं। इसकी खास बात क्या वैसे मुझे पता नहीं, किसी को पता है तो कमेंट में बता दो। इतने हाई एल्टीट्यूड पे किसी भी दुनिया में कहीं कहीं इतनी बड़ी टनल नहीं बनी है। अच्छा ऐसा है क्या? हाँ। अरे लाइट अच्छी है अंदर, चश्मा लगा के रख सकते थे। मिट्टी बहुत है। जी तो फाइनली हम लोग एक चक्कर निकाल के आ गए अटल टनल का। बहुत लंबी टनल है, कितनी हमने नहीं चेक किया, गूगल कर लेना यार। बट लास्ट तक नहीं गए, बहुत लंबा हो रहा था तो हम बीच में यूटर्न लेके आ गए। ये लो ये अटल टनल की एंट्री, ये वेलकम वाला, और थोड़ा सा और आगे यहाँ से अब दिख नहीं रहा, वो टनल है बेसिकली। देखो ये क्या है, ये जगह जगह पे रास्ते में हर जगह ऐसे कोटेशंस लिखे हैं, पीकर विस्की ड्राइविंग रिस्की अनहोनो, ये तो गलती किसकी। बहुत सारे देवे ऐसे रास्ते में ऐसे भी लिखे थे, अगर आपकी शादी हुई है तो आपको बहुत ध्यान से ड्राइव करना चाहिए, ऐसा करके काफी कुछ लिखा हुआ था रास्ते में। जाने का मन क्यों नहीं कर रहा? अरे यार ये बर्फ देख के मन हो जाता है। सीरियस सही है। और अपने को साहब अभी नीचे जाके सोलांग वैली रुकना है, पैराग्लाइडिंग करनी है, और 6 बजे पहले घर भी पहुंचना है, अंधेरा नहीं करना है बाइक पे। अभी बज रहे हैं 3:30। तो अभी वापस हम आ गए सोलांग वैली राइड करके, बट अभी मुझे लग रहा है यहाँ हमारा थोड़ा सा कट गया है, क्योंकि ये जो रोप वे है जो कि ऊपर जाता है और वहाँ से जो लंबी वाली पैराग्लाइडिंग है वो भी बंद लग रही है। अभी छोटी वाली चल रही है, यहाँ से पैदल पैदल चढ़ के वहाँ जाओ, वहाँ से चालू होगा और बस यहाँ एक चक्कर खिला के यहाँ पर लैंड करा देंगे। लैंड तो एनीवेज यहीं पर होगा दोनों केस में। लो जाके पता करते हैं वहाँ कल चलेगा कि नहीं। हाँ जी, इन्फॉर्मेशन ये मिली है कि मेंटेनेंस में है और पता नहीं कब तक खुलेगा, तो कल भी खुलने का मुझे कोई आसार लग नहीं रहे। पर वो बोल रहे हैं कि उनसे बात कर लो, बड़ी वाली भी करा देते हैं, घोड़े वोड़े पर बिठा के ले जाएंगे ऊपर तक। पर इतनी ऊपर यार कैसे ले जाएंगे घोड़े पर? मुझे तो ये लग रहा है इवन छोटी वाली के लिए भी अगर हमें चढ़ना पड़ेगा ना ऊपर तो हमारी लग जाएगी वाट, बहुत चढ़ना पड़ेगा। बाकी ठंड पूरी है, अगर कोई हमारा वीडियो देख के आने की कोशिश कर रहा है तो भाई स्टड मत बनना, हेलमेट वो लेना जो आगे से पूरा बंद होता हो। जुकाम लगने के पूरे चांस है। कुछ तो जुगाड़ लगा के बैठ गया, मंदू जी ने बात करी, ऊपर वाले की सेटिंग बैठी है कुछ तो। ऊपर लेके कैसे जाएंगे? घोड़े पे लेके जाएंगे। चलो ठीक है, कितनी देर में पहुंच जाएंगे ऊपर? आधे पौने घंटे में ऊपर। 4 बजे मतलब 5-1 बजे करेंगे। पैराग्लाइडिंग से पहले इसकी ट्रैकिंग होगी वहाँ ऊपर तक जाने की। मनु जी मेरे पीछे आ रहे हैं। हाँ भाई मेरे को तो डर लग रहा है। मैंने नहीं चढ़ा हुआ घोड़ा वोड़ा कभी। तो ऊपर वाली पैराग्लाइडिंग करने के लिए पहले घोड़े के सहारे ऊपर तक जाना पड़ेगा। ये छोटी वाली तो यहीं से हो रही है, यहाँ तक तो पैदल ही आ सकते थे, अपने जा रहे हैं ऊपर। Okay.
नाइस। हेलो मैडम, फाइनली करके नीचे उतर गए। इतना ऊपर गए लेकिन बढ़ तो नहीं ले। जाना भी एडवेंचरस था। जाना अपने आप में एडवेंचरस था भाई। वो खच्चर पे चढ़ के जो गए ना उसमें मेरी ज्यादा फट रही थी, मेरी पैराग्लाइडिंग इतनी नहीं फटी। और आना भी मजेदार था। आना तो बहुत मजेदार था। उसका तो पूरा वीडियो आप देखोगे, यानी देख लिया होगा, इसके बाद में देखोगे आगे पीछे कहीं हाथ कांप रहे हैं अभी। और कुछ नहीं करना यार, जिप लाइन विपलाइन यही था मेन, तो ये कर लिया। अभी फटाफट से चाय पियेंगे, ठंड लग रही है अभी। यहाँ फोटो शूट चल रहा है, ये मुझे याद है मैंने और मोटे ने डलहौजी में कराया था। हाँ भाई, कपड़े पहन के करवाया गया था एक्चुअली, पेरेंट्स ने जबरदस्ती करवा दिया था। बिल्कुल मेरे को तो बहुत ऑकवर्ड लग रहा था, बट मम्मी पापा ने बोला आए इतनी दूर तो खिंचवा लो एक फोटो, याद बन जाती है, मेमोरी बनती है इसी। तो सही है। चलो जी फाइनली अपने आ गए हैं बाइक के ऊपर वापस। मनु जी हो रहे हैं रेडी हेलमेट वेलमेट पहन के। सोलांग वैली का कार्यक्रम हो गया पूरा, मस्त मस्त यहाँ से बहुत बढ़िया पैराग्लाइडिंग हुई। अब चलेंगे वापस कहाँ की तरफ, मनाली की तरफ। लाइट ऑफ कर दे, लाइट के फ्लैश ऑफ कर दे। वीडियो बंद करना पड़ेगा, वीडियो बंद बेसिकली गोप्रो नहीं है ना, तो लो जी बाइक आ गई है अपनी डेस्टिनेशन पर, अपनी दुकान पर जहाँ से हमने रेंट ली थी। लो जी आ गए रूम में। हाँ अंदर काफी ठीक लग रहा है कंफर्टेबली। गर्मा गर्म एक कप चाय मंगाई गई है, मंदू जी तो पीते नहीं, पीते चाय। मस्त लाइटें जगानी कमरे में ताकि वीडियो की क्वालिटी थोड़ी ठीक आए। हाँ जी वो घूमते घुमाते हम वापस से आ गए माल रोड खाना ढूंढने के लिए। शेरे पंजाब यहाँ नहीं है बे। अच्छा ये रहा ना, यहाँ भी जा सकते हैं शाने पंजाब। एक चक्कर काट लेते हैं पहले सामने, थोड़ा देख लेते हैं मार्केट, फिर खाएंगे खाना। मॉल रोड पे मंदिर भी है। ये लग रहा था प्योर वेज रेस्टोरेंट नहीं मिलेंगे, बट यहाँ तो भर भर के हैं भाई, लाइन में एक के बाद एक, एक के बाद एक जा रहे हैं जहाँ सबसे ज्यादा भीड़ है, बालाजी रेस्टोरेंट। चलो मनु जी घुसो। फॉर अ चेंज हमने पनीर मंगाया, दाल नहीं मंगाई। ये बढ़िया अरेंजमेंट हो गया होटल वालों की तरफ से। मनु जी तो कह रहे थे रूम में चलते हैं, रूम में चलते हैं। रूम में जाने की आग लगी थी तेरे को है? तो यहाँ पे इतनी ठंड में बैठ सकते थे, ये तो अलाव है इसलिए। तो अलाव लगवाया ना तभी तो, खत्म। अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, जब सब्सक्राइब करें तो बेल नोटिफिकेशन वॉल को जरूर सेट करें ताकि आने वाले वीडियो आपको मिल पाए। और अच्छा नहीं लगा तो शेयर करें, अगर आपको नहीं तो जरूर पसंद आएगा। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।